अरे चचा, जानते हो गांव में क्या बात है? अरे होगी कोई बात, पहले जा तू भैंस को चारा डाल। चारा तुम्हें डाल दूंगा, पर पता है गांव में कौन आने वाला है? कौन आने वाला? अरे वही जिसे राज की बात पता होगी। वही कौन? अरे संजय साहब का पोता। संजय साहब, संजय साहब। अरे यार प्रदीप, चचा ने कहा था भट्ठे के पास से मुड़ जाना, अब ना भट्ठा दिख रहा और ना कुछ। तू एक काम कर, जमीन बेच यहाँ से फौरन निकल। वो तो मैं बेच दूंगा, उसकी तू टेंशन। अरे रुक क्यों गया? सामने अपने बाप खड़े हैं। अगर तुम दोनों में से कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर दो कदम आगे बढ़ा दिया तो साले वही दोनों टांग तेरी काट के खा लूंगा, तेरी माँ का। सॉरी भाई साहब, सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन भाई साहब, आपने मुझे रोका क्यों है? हम है नाका पोस डाकू, मतलब मुंह छुपाने वाले। नहीं, मतलब चेहरा छुपाने वाले। हट भोसड़ी वाले, इसका मतलब वही होता है, उसका मतलब भी वही होता है। चुप 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 साले, भोसड़ी का मरवाएगा क्या? इन लोगों के पास हथियार है। लेकिन भाई साहब, आप लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक के रखा है? रास की बात बताने के लिए है। कौन सी रास की बात भाई साहब? रास की बात। अबे कौन सी रास की बात कर रहे हैं ये? अरे तू बता। अरे भोसड़ी का, वो अपने मोहल्ले का राज, उसकी बात कर रहे हैं क्या? क्या पता, वो यहाँ तक फेमस हो गया। भाई साहब, मैं सुनाता हूँ उसकी कहानी। तो भाई साहब ऐसा था, उस दिन हम भी थे, ये भी था और राज भी था। तो राज साला जंगल में अकेला। अबे संजय साहब की राज की बात मुझे क्या पता भैया, पता होती तो बता देता। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, सालों को खत्म कर दो। अबे घबरा प्रदीप, घबरा, डाकू आ रहे। अबे मैं क्या करूं घबरा के, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। प्रदीप भूख मार। खत्म कर दिया। अबे आजा तू भी, आजा आजा। अरे आजा बेटे आजा। असली साउथ का फैन। चल प्रदीप यार, मुझे लगता है यही है गांव का रास्ता, चलें। चलो। ओम फोम बिलायती लग रहे हो भाई साहब, कहाँ से आए हो? बस से आए हैं। मेरे मतलब भाई साहब आप शहर से आए हैं? तुझे भोसड़ी क्या समझ में नहीं आ रहा, बार बार बोल रहा। बस से आए हैं, बस से आए हैं। एक तो इतना खराब रास्ता है, ऊपर से तू। ये कैसा अंधा भोसड़ी का हर पांव बराबर रख रहा है? तो चचा, इसने मेरी मदद की थी ऐसे करके। अच्छा, तो ऐसे बना तेरा दोस्त ये? हाँ। तो उसे वहाँ क्यों बैठाया है? अरे चचा, ये ऐसे ही है, बाबला है ना। तो बेटे अपने बाबले का ध्यान रखो। जी चाचा जी, हम लोग चलते हैं। प्रदीप, चचा ने बोला था इन रास्तों में शांति से चलना, शेर और चीते रहते हैं यहाँ। लवकुश तू टेंशन क्यों ले रहा है? एक बार मैंने सेन ने काटा। फिर क्या हुआ? डॉक्टर सुई लगवाना पड़ा। अरे कुत्ता होगा वो, आज ही लंड होगा कुत्ता, तेरे को कुत्ता काटा होगा, मेरे ही शेर ही था। तुम चुप रहो भाई साहब, खेत जाना है मुझे। अरे अंधा क्या? हाँ हूँ मैं अंधा, बता तू क्या करेगा।
जो शादियों से पैसा लूट पाता है वही असली बराती कहलाता है। चल बे मेरे पैसे, चलो बे अब हमारे पैसे हो गए, हमने लूटे हैं। प्रदीप हाँ बता क्या बोल रहा है। ले तेरे जेब से 500 का नोट गिर गया, रख ले। साले याम का पत्ता है। अरे पागल रख ले, उसे 500 का नोट है। प्रदीप मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू पायलट नहीं बन सकता। अबे कुछ तो बन सकता हूँ। हाँ कुछ बन सकता है। अबे फोन आ रहा है। हेलो हेलो, पता नहीं किस किस को नंबर देता फिरता अपना। मोबाइल चुर गया। अबे ये है यार, ये देख देख ये। चाचा क्या हो गया यहाँ पे, इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ किसी की मौत हो गई है। हम लोग भी चले देखने। हाँ। अरे चाचा ये देखो क्या हो गया। अरे ये सब होता रहता है। मैं भी आखिरी बार अलविदा बोल के आता हूँ। तू? हाँ। तू कैसे जाएगा? तू रास्ता भर बता दे। तो ठीक है, तू सीधा सीधा जाना, इधर नहीं होना ना इधर होना, केवल सीधा सीधा जाना। जा सीध सीध जाइयो, इधर उधर मत होना। भोसड़ी बना लेते हैं सुगर के जैसा। भोसड़ी के दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई साहब छोड़ छोड़ दे भाई साहब, नहीं अंधा है अंधा, हम तो हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं। उससे साले कितनी बार मना किया, इधर उधर चला जाता तो क्या होता तेरा। अब अहिंद देख कितना मारे हैं साले, एक नंबर का चूतिया। भाई साहब बड़ी जोर से लात मारा, एक तरफ का हिस्सा पूरा सुन्न पड़ा है। लंगड़ा समझ में आ रहा? बोल लंगड़ा कौन था? लंगड़ा आम था, पहले 25 रुपए बिक रहा था, अब 55 रुपए बिक रहा है। अरे मैं लंगड़े की बात कर रहा हूँ, लंगड़े की। पता नहीं यार, मैंने देखा ही नहीं। जैसे कि तूने पूरी दुनिया देख रखी हो। तू चल चल मेरे साथ चल।